रोबोटिक आर्म है ये हमें हेल्प कर सकता है चीज़ों को उठाने में, लाइक ये एक हेल्पिंग हैंड की तरह है, लेकिन ये हमारे पास एक मॉडल है। अगर हम इसे एक इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब इसमें हमारे पास हमने सर्वो मोटर्स यूज़ किए हैं और बक कन्वर्टर यूज़ किया है। इसका हमने कोड डाला है, एप्लीकेशन नेम है लिटल आर्म के नाम से, एक एप्लीकेशन जो हमने प्ले स्टोर से फाइंड की है। इसमें हमने कोड डाला है और हम इसको ब्लूटूथ के ज़रिए कंट्रोल करते हैं जी। इसको हम बड़ी से बना सकते हैं, ये तो सिर्फ मॉडल है। अगर हम इसे इंडस्ट्रियल लेवल में बनाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, लाइक ट्रेन वगैरह हेल्पफुल होती हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये सर हमें हेल्प करेगा, जैसे एक हेल्पिंग हैंड, हम एक चीज़ उठा के इधर से उधर ले जाना चाहते हैं तो ऐप के ज़रिए हम ले जा सकते हैं। अगर हम ऐप में कुछ चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी हम इसका कोई भी स्टेप रिकॉर्ड कर लेते हैं ऐप में, तो वो फिर बाद में हम वापस इसको प्ले कर सकते हैं। हमारा मॉडल इससे मुतालिक है कि जो वेस्ट वाटर है इसको हम लोग आगे भी ज़ाया होने नहीं देते, इसको हम लोग रिसाइकल करके, इसकी ट्रीटमेंट करके प्लांट के ज़रिए इसको वापस यूज़ करने के काबिल ला सकते हैं। सिवेज, अर्बन सिवेज सिस्टम है, इनसे हम लोग इनको हम लोग अपने लाइफ में लाएं और इनको फिर इनसे हम लोग इनको गुजारें तो ये प्योर वाटर में आ जाए। मैंने ये वाटर सर्कुलेशन का मॉडल बनाया है। हमारे पास वाटर सर्कुलेट होता है कि किस तरह प्लांट्स में वाटर सर्कुलेशन होती है। हम लोग के जो पानी होता है, सबसे पहले हम लोग के सबसे ऊपर वाले गमले में जाते हैं, उसके बाद सर्कुलेट होकर हमारे पास सारे गमलों में आते हैं। इससे हमारे पास पानी की बचत होती है, जो पानी जितना एब्जॉर्ब करना होता है जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी जो हमारे पास पानी होता है वो वापस नीचे आ जाता है और इस तरह से ये पानी हमारे पास बच जाता है। ये हमारे पास पानी की बचत और रिसाइकल दोबारा हो रहा होता है। इसके अलावा ये बलूचिस्तान में आजकल पानी का खसूसी मसला है, तो हम लोग का ये है कि अगर हम लोग ये वाला टर्म यूज़ करेंगे तो हम लोग पानी काफ़ी बचत कर सकते हैं। और आजकल जैसे हम लोग के छतों वगैरह पे पानी, छतों वगैरह पर गमले लग रहे हैं, तो वो भी लिहाज से हम लोग के बहुत अच्छा रहेगा कि इस सिस्टम के लिहाज से हम लोग बहुत अच्छे से पानी दे सकें जी। तो वो हम लोग अगर इस मॉडल के हिसाब से देंगे तो जो पानी ज़ाया होगा वो नीचे वाले गमले में चला जाएगा, इस तरह हम लोग के पास पानी की बचत होगी। ये गाड़ी बनाई है, ये हैंड मूवमेंट कार है, इस हैंड में 4 मूवमेंट्स होती हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, उसके बिना पे। और सर इसमें हम लोगों ने जो मूवमेंट जो मटेरियल यूज़ किए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सर इसमें मदरबोर्ड यूज़ हुए, वेरो बोर्ड यूज़ हुए है, आरएफ ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ठीक है, और ये जो है आरएफ ट्रांसमीटर है, ठीक है, यहाँ से ये अपना सिग्नल भेजता है आरएफ रिसीवर को, ये इसका मैसेज कन्वे करके और ये गाड़ी पर चलना शुरू होती है। और इसमें सर हम लोगों ने कैमरा भी यूज़ किया हुआ है, आईपी कैमरा है। सर इसमें C++ कैजुअल कोडिंग भी हुई है। सर ये आप इसको मतलब आपके लिए मुख्तलिफ एरियाज़ में यूज़ हो सकती है, एज ए सिक्योरिटी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।